हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मालपुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मालपुए तैयार कर लिए हैं। ऊपर से कितना क्रिस्पी, अंदर से कितना सॉफ्ट है। आप चाहे तो किसी ओकेशन या फेस्टिवल पे बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 200 ग्राम मैदा लिया है, ये दूध है 250 ग्राम, खोआ 100 ग्राम, चीनी 200 ग्राम। फिर इसके बाद जो खोआ लिया है हमने, वो हम मैदे में डाल के अच्छे से मिलाएंगे और इसी तरह मिक्स कर लेंगे। ये दूध जो हमने लिया था वो भी हम डालेंगे और फिर हम अच्छे से इसको मिला करके इसका बैटर हम तैयार कर लेंगे इसी तरह से। और इसको हम रखेंगे 5 मिनट ढक करके अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद हम सीरा बनाएंगे, चाशनी। हमने आधा गिलास पानी डाला है चाशनी तैयार करने के लिए। ये चीनी जो हमने लिया था वही हम डाले हैं और इसी तरह मिक्स करेंगे और इसी तरह हम चाशनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तेल गर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो हमने बैटर तैयार किए हैं वही हम उसी का मालपुआ बनाएंगे। इसी तरह करके हमको फ्राई करना है और मालपुआ तैयार कर लेना है। हमको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए मालपुआ मेरा हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह करके एक और हम बनाएंगे, इसको भी हम उसी तरह पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरह करके सारे फ्राई कर लिए हैं। ये चाशनी है, ये हम मालपुए लिए हैं। अब इसको हम चाशनी में एक एक करके डालेंगे। अब हम चम्मच के मदद से इसे फ्रेश करेंगे ताकि चाशनी जो मालपुए में अच्छे तरीके से जा सके। इसी तरह करके हमको सारा करना है। इसके बाद हमको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। हमने इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी वाली मालपुए की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।